नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और आपका स्वागत करते हैं एजुकेशनल एक्सपर्टीज चैनल के ऊपर। आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में बार बार यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सिर्फ उन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो फैक्ट्स डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ उन्ही चीजों के ऊपर बात करेंगे जहां से आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं डायमीटर ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन किलोमीटर्स, तो डायमीटर यानी हम सभी प्लैनेट के व्यास की बात करेंगे और उस उनकी सूरज से दूरी कितनी है उस चीज की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सन का जो डायमीटर है वो करीबन 13,91,400 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं मर्क्यूरी की बात करते हैं तो मर्क्यूरी का जो डायमीटर है वो 4,879 किलोमीटर के आसपास है। वही बात करते हैं वीनस की तो वो करीबन 12,104 किलोमीटर के आसपास है। अर्थ की बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर के आसपास है। मार्स का आप देखते हैं तो 6,792 किलोमीटर है। वहीं जुपिटर के डायमीटर की बात करें जो कि सबसे अधिक 1,42,984 किलोमीटर है। उसके बाद सेकंड जो पे जो आता है वो आपका सैटर्न आता है जिसका 1,20,536 किलोमीटर है। फिर आपका यूरेनस आता है जिसका 51,118 किलोमीटर है। अंत में आपका नेपच्यून आता है जिसका 49,528 किलोमीटर डायमीटर है। तो सबसे नंबर वन पे जो डायमीटर है वो आपका जुपिटर है, सेकंड पे आपका सैटर्न है, थर्ड पे आपका यूरेनस है, फोर्थ पे आपका नेपच्यून है, ठीक है। फिफ्थ पे आपका क्या होगा, अर्थ होगा। और सिक्स पे आपका वीनस होगा, सेवन पे आपका मार्स होगा और एट्थ पे आपका मर्क्यूरी। यानी सबसे कम डायमीटर किसका है, मर्क्यूरी का। सबसे बड़ा डायमीटर किसका है, जुपिटर का। और सबसे और अर्थ कितने नंबर पे आता है डायमीटर के मामले में, तो वो फिफ्थ नंबर पे आता है, ठीक है। अगले में अगर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू प्लैनेट इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी हम अगर बात करते हैं AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो सबसे पहले आप समझिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस से रिलेटेड है, यानी इसके बीच में करीबन 15 करोड़ किलोमीटर का जो है डिस्टेंस पाया जाता है अर्थ और सन के बीच में। तो इसी डिस्टेंस को हम AU यानी अर्थमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है डिस्टेंस, 0.39। वीनस की बात करते हैं तो 0.72। अर्थ की बात करेंगे तो 1 होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। मार्स की बात करते हैं तो करीबन 1.52 और जुपिटर की बात करते हैं तो 5.2, सैटर्न की बात करेंगे तो 9.54, यूरेनस की बात करेंगे तो 19.2 और एट द एंड सबसे ज्यादा 30.06 नेपच्यून का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। तो कभी कभी आपका सीक्वेंस पूछ लेता है हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट का, तो इस टेबल से आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। वही बात करते हैं एक नई चीज इसके अंदर जो फैक्ट है, अभी तक हमने बात करी सोलर सिस्टम के बारे में, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अराउंड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, यानी जो लॉन्गेस्ट चीज है उनकी बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लॉन्गेस्ट रेलवे की तो ये आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो कि आपका कौन सी कंट्री में है, रसिया के अंदर है, ये चीज याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रोड टनल की बात करते हैं तो लाइडाल टनल है जो कि नॉर्वे में है, करीबन 24.51 किलोमीटर लंबी है। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो गोरखपुर यूपी है, परंतु अभी ये प्लेटफॉर्म जो है चेंज हो चुका है, अब ये कर्नाटका में एक बन चुका है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है तो वो मैं आपको एक शॉर्ट्स के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। लॉन्गेस्ट शिप कैनाल की बात करते हैं तो सेंट लॉरेंस सीवे है जो यूएसए और कनाडा के बीच में सबसे लॉन्गेस्ट शिप कैनाल के रूप में फेमस है। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम है जो कि कौन सी रिवर के ऊपर है, महानदी के ऊपर है, ठीक है, करीबन 24 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की तो एंडीज माउंटेन रेंज जो कि साउथ अमेरिका में है जिसकी लंबाई करीबन 5500 मीटर के आसपास है, नहीं
ये गलत दे रखा है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ये जो डिस्टेंस है गलत दे रखा है, ठीक है 15,500 मीटर नहीं है, गलत है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट वॉल की बात करते हैं, तो वॉल ऑफ चाइना सभी को पता है लॉन्गेस्ट वॉल कौन सी है। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो आगे इस टॉपिक में हम बात करेंगे लार्जेस्ट अराउंड द वर्ल्ड की, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट सभी को पता है एशिया है। लार्जेस्ट डेल्टा की बात करें तो गंगा का डेल्टा है जो कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल और इंडिया के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट है जो कि कवर करता है 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को, और ये दुनिया का 8.4% हिस्सा क्या करता है, कैप्चर करता है। अगर बात करते हैं लार्जेस्ट आइलैंड की तो वो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। लार्जेस्ट डैम की बात करें तो थ्री गॉर्जेस डैम जो है वो चाइना में है, ठीक है, जो कि यांगसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद लार्जेस्ट लाइब्रेरी की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेस यानी वॉशिंगटन डीसी की लाइब्रेरी कहलाएगी लार्जेस्ट लाइब्रेरी। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में कोलकाता के अंदर लाइब्रेरी है जिसको हम नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, वो इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वही लार्जेस्ट सी बर्ड की बात करें तो एल्बेट्रोस है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी इन पॉपुलेशन तो टोक्यो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है अगर किसी शहर की है। लार्जेस्ट पेनिनसुला तो अरेबियन पेनिनसुला, और ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लार्जेस्ट सोलर सोलर प्लैनेट की बात करते हैं तो यांची सोलर पार्क है जो कि चाइना में है, यानी लार्जेस्ट सोलर सोलर प्लांट है तो यांची सोलर प्लांट है जो कि आपका चाइना में है, जो कि लार्जेस्ट है दुनिया का। वही बात करते हैं टॉलेस्ट की, ठीक है, तो टॉलेस्ट की अगर बात करते हैं तो टॉलेस्ट एनिमल जिराफ हो जाता है आपका। टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात करें तो बुर्ज खलीफा है जो कि 828 मीटर के आसपास है। टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट की फीट हो गया, सॉरी मीटर नहीं, हाँ मीटर, यस ठीक है। तो टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट की बात करें तो गेटवे आर्क है जो कि यूएसए के अंदर है टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट। वही बात करते हैं बिगेस्ट की, तो दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, तो बिगेस्ट कंट्री की बात करें तो आपका रशिया हो जाएगा। बिगेस्ट प्लैनेट की बात करें तो आपका जुपिटर हो जाएगा। बिगेस्ट ओशन की बात करें तो आपका पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ हॉटेस्ट और डीपेस्ट प्लेस की, तो हॉटेस्ट प्लेस जो है वो आपका डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद डीपेस्ट लेक की बात करें तो लेक बैकाल जो कि साइबेरिया में है वो डीपेस्ट लेक है दुनिया की। डीपेस्ट ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन है, आपको पता होना चाहिए मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है जिसकी गहराई करीबन 11,033 मीटर के आसपास है, ठीक है 11,033 मीटर। हम फिर बात करते हैं हाइएस्ट अराउंड द वर्ल्ड की, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848.84 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात करें तो ग्रेट हिमालयस आपका हो जाएगा। हाईएस्ट प्लेटो की बात करें तो पामीर जिसको हम रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन की बात करेंगे टेंगुला रेलवे स्टेशन है। हाईएस्ट लेक जो है वो आपका लेक टिटिकाका है जो कि साउथ अमेरिका में है। हाईएस्ट फॉल की बात करेंगे तो एंजल फॉल हो जाएगा जो वेनेजुएला पर है और रियो कैरोनी रिवर के ऊपर बना हुआ है। मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये आपका टंगस्टन हो जाएगा जो कि बल्ब के अंदर जो एलिमेंट लग के आता है वो है ये। हाईएस्ट कैपिटल की बात करेंगे तो लापाज है जो कि बोलिविया की कैपिटल है और साउथ अमेरिका में ये कंट्री पाई जाती है। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करता हूँ लॉन्गेस्ट चीजों की, तो अब हम इंडिया की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की गंगा है जिसकी लंबाई करीबन 25 किलोमीटर है यानी 2,525 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो गंगा यमुना हो जाएगी जो कि यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है और दोनों मर्ज कहाँ पर होती हैं, प्रयागराज में, ठीक है, कहाँ मर्ज होती है, प्रयागराज में, ये भी याद रखेंगे। स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तो गुजरात है जिसकी कोस्ट की लंबाई लगभग 1,244.7 किलोमीटर के आसपास है। लॉन्गेस्ट डैम की बात करेंगे तो हीराकुंड डैम है जो कि महानदी के ऊपर है और उड़ीसा राज्य के अंदर है, है ना। लॉन्गेस्ट बीच तो मैरियाना बीच आपका हो जाएगा जो कि चेन्नई में है। लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन है जो कि चेरुलोपल्ली और रापुरु स्टेशन यानी आंध्र प्रदेश के बीच में माना जाता है। लॉन्गेस्ट रोड NH44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है।
लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। लॉन्गेस्ट केनाल यानी केनाल तो दुनिया की लंबी केनाल है सबसे, ये इंदिरा गांधी केनाल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लार्जेस्ट इन इंडिया, तो लार्जेस्ट चीजें इंडिया में कौन कौन सी हैं, तो लार्जेस्ट म्यूजियम जो मैंने बताया था इंडियन म्यूजियम जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता में है। लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट है जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं जो कि एक नेचुरल बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपके। लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो आपका राजस्थान हो जाएगा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट की बात करें तो एमपी आपका हो जाएगा। लार्जेस्ट मॉस्क की बात करें तो जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में है ना। लार्जेस्ट पोर्ट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नावा शेवा के नाम से जानते हैं जो महाराष्ट्र और मुंबई में है। देखिए एक्चुअली नावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाने की एक ही वजह थी ताकि हम मुंबई के ऊपर जो प्रेशर है उसको क्या कर सके, कम कर सके। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड की बात करें तो माजुली हो जाएगा जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर असम में मौजूद है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी की बात करेंगे तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है जो कि कोलकाता के अंदर है। लार्जेस्ट सिलाइन लेक की बात करेंगे तो आपका चिल्का लेक ओडिशा में हो जाएगा। और लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा जो कि 2019 में क्या बनी थी, यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसने पाया था। अब हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट स्टेट बाई एरिया तो गोवा है जिसका कुल एरिया 3,702 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा जिसका एरिया करीबन 32 स्क्वायर किलोमीटर है। हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न है, ठीक है। हाईएस्ट डैम जो है वो टेहरी डैम है जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर मौजूद है उत्तराखंड राज्य के अंदर। हाईएस्ट ग्लेनेटरी अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हाईएस्ट जो आपका एयरपोर्ट है वो कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट लेह जम्मू कश्मीर में है। हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो जोग फॉल है, अब ये नहीं है, अब आपका क्या हो जाता है, कुचिकल जो कि कर्नाटका में ही है। रेनिएस्ट प्लेस मानसिनराम मेघालय के अंदर है, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, लिंक को ज्वाइन करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सर्च करें एडु एक्सपर्टाइज तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। एंड थैंक यू गाइज, आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।